एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं एक वायरल हैक को ट्राई करने वाले हैं इस वीडियो में। तो ये वायरल हैक जो है हमारी स्किन की डार्कनेस को ख़त्म करके स्किन को लाइट और ब्राइट बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं कि इसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर है हमारे पास टूथपेस्ट है, और टूथपेस्ट आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, और जो भी आप यूज़ करते हो आपके घर में जो भी अवेलेबल है आप वो वाला टूथपेस्ट आप यूज़ कर सकते हो। तो मेरे पास यहाँ पे कोलगेट का था। और इसके बाद हमने जो इसमें दूसरी चीज़ ऐड करनी है वो है लेमन, और ये लेमन आप देख सकते हैं, और एक दत मेरे पास लेमन है। तो इसके बाद हम इसकी मेकिंग की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको किस तरह से बनाना है, तो हमने एक खाली सबसे पहले बॉल ले लेना है, और ख़ाली बॉल के अंदर हमने इसमें अपनी टूथपेस्ट है ना उसको हमने ऐड कर लेना है, और फुल पैकेट मैंने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। और फुल पैक को ऐड करने के बाद फ्रेंड्स, अब हम अपनी क्वांटिटी के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। आपने अपने अगर आपने हाथों पाँव पर यूज़ करना है, अपनी नेक एरियाज पर यूज़ करना है, अपनी नीज़ पे एल्बोज़ पर करना है, तो आप इसकी क्वान्टिटी के हिसाब से यूज़ करोगे। फ़िलहाल तो मैं अपने हाथों के लिए यूज़ करने वाली हूँ। अच्छा जी, इसमें जो सेकेंड इंग्रीडियंट था मैंने शुगर ऐड की थी, और इसके बाद मैंने अपना हाफ लेमन था वो मैंने इसमें लेमन जूस जो था वो मैंने इसमें स्क्वीज़ किया है, इसमें लेमन जूस ऐड किया है। तो अब जी इसको हमने कर लेना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स हमने इतना अच्छा करना है कि इसका जो टेक्सचर है क्रीमी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो इसको करने के बाद ना अब हम इसको अप्लाई करेंगे, और ये वाला और ये जो क्रीम हमारे पास रेडी हो गई है ना, ये आप अपनी डार्क नेक पे भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी नेक बहुत ज़्यादा डार्क है उस पर यूज़ कर सकते हो, अपने हाथों पाँव पे अगर आपके हाथ पाँव बहुत ज़्यादा डार्क हैं काले हैं उस पर यूज़ कर सकते हो, अपनी नीज़ पे एल्बोज़ पे बहुत ज़्यादा डार्क है उस पर आप यूज़ कर सकते हो। ओवरऑल आपकी स्किन के लिए कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप इसको ईजीली इसको यूज़ कर सकते हो, आपको इसका 110% का रिज़ल्ट मिलेगा। तो रिज़ल्ट अभी मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाली हूँ, इसका लाइव रिज़ल्ट भी आप देखोगे। तो यहाँ पे इसको इस तरह से हम कर लेंगे अप्लाई, अपने हाथों पे कर लेंगे, अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई कर लेंगे, और इसको थोड़ा सा हमने इस तरह से मसाज कर लेना है। और इसके अंदर जो हमने शुगर ऐड की है वो हमारी स्किन को डेड स्किन को भी रिमूव करेगी, हमारी स्किन को बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट करेगी, ठीक है, हमारी स्किन की जो डार्कनेस है उसको भी ख़त्म करेगी। तो यहाँ पे इसको लगाने के बाद ना अब हमने इसको थोड़ी देर के लिए हमने इसको छोड़ देना। अच्छा, जब आप इसको तकरीबन हमने 10 से 15 मिनट के लिए अपनी स्किन के ऊपर इसको हमने छोड़ देना है, ठीक है। और यहाँ से आप देख सकते हैं, तो अब हमने इसको 10-15 मिनट के लिए छोड़ने के बाद, तो मैं मिलती हूँ आपको 10 मिनट्स लेटर। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब 10 मिनट का टाइम हो चुका था। अब मैंने इसको स्पंज के साथ, गीले स्पंज के साथ अपने इस तरह से कुछ अपने हाथों को साफ़ कर लेना है। आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ कितने ज़्यादा ब्राइट हो चुके हैं, और आप ख़ुद देख सकते हैं, और बिना फिल्टर के। अभी आपको शायद इतना अच्छा रिज़ल्ट नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जो मैं लाइव इसका रिज़ल्ट देख रही थी बहुत एक अमेजिंग रिज़ल्ट मुझे नज़र आ रहा था, ठीक है। तो अब हम इसको सिंपल टैप वाटर के साथ इसको वॉश कर लेना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, और साथ लगे हुए बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे साफ़ करने के बाद, वॉश करने के बाद, अब हम बारी है इसको मॉइस्चराइज़ करने की, क्योंकि स्किन को मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मेरे पास था जी एलोवेरा जेल था, और यहाँ पे एलोवेरा जेल को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ कितने ज़्यादा, आपको फ़र्क खुद नज़र आ रहा होगा कि कितने ज़्यादा ब्राइट हो चुके हैं। और अब आप दूसरा हाथ देख सकते हैं, और एक वाला देख सकते, आप खुद कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।